दिया बेटा स्टेटमेंट बोल देना, दिया दिया। सर, हाँ जी बेटे बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। रमनीक आप बोल दो, कोई बात नहीं, एक बच्चा बोल दो। दिया बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर अ मंथ ऑफ जून फॉर मिस्टर जी, जेकॉब्स हाउस, हाँ फॉलोइंग इज द लिस्ट। हाँ एसी 1000 वॉट 8 आवर्स, एसी 1000 वॉट 8 आवर्स के लिए, और बेटा टीवी 250 वॉट्स 2 आवर्स, कौन सी चीज? टीवी टीवी 250 वॉट्स बेटा, यस सर, 2 आवर्स। एसी हो गया, टीवी हो गया, और बेटे 5 LEDs 20 वॉट ईच 10 आवर्स, 5 LEDs 20 वॉट ईच कितने आवर्स के लिए? डेली। 10 आवर्स। और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹6। 1 यूनिट की कॉस्ट जो है दैट इज 6 रुपीज। ए मैं रिपीट करता हूं बेटा, एसी 1000 वॉट का 8 आवर्स के लिए दिल्ली बेटा, ठीक है हर्षप्रीत। टीवी 250 वॉट का 2 आवर्स के लिए दिल्ली। 5 LEDs 20 वॉट की 10 आवर्स के लिए दिल्ली। यही चीजें हैं ना बेटा? यस सर, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए पुत्र मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा बेटा। हम पहले तो जून की बात कर लें। जून में 30 डेज होते हैं, 30 डेज। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन निकालनी है। हम पहले बेटा 1 डे की कंजम्पशन सारे अप्लायंसेस की जो है वो वर्कआउट कर लेते हैं। जैसे एनर्जी कंजम्पशन, पर डे, नंबर वन आपके पास है एसी। आप जानते हैं एनर्जी बच्चों पावर इनटू टाइम के बराबर होती है। पावर आपका बेटे जो है ये किलोवाट्स में होना चाहिए, टाइम आवर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 1000 वॉट है, इसके किलोवाट बन गए ये 1000 से डिवाइड करके। 8 आवर्स के लिए आप इसको यूज करते हो तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एसी 8 किलोवाट आवर, या आप इसको 8 यूनिट्स भी कह देते हैं सिंपली। देन सेकंड अप्लायंस हमारे पास है टीवी। टीवी कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 250 वॉट का है ये, देखिए इसके किलो वॉट्स बना लीजिए, ये किलो वॉट्स बन गए बेटा। और ये 2 आवर्स के लिए चलता है इतना, ये 254 और ये 2 1/2 यूनिट्स, या 1/2 किलो वॉट आवर, या 1/2 यूनिट्स, चेक करिएगा साथ साथ बेटे। तीसरी आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस 5 LEDs 20 वाट ईच ये वाली है। आइए इनका भी एनर्जी कंजम्पशन निकाल लें। 5 LEDs का एनर्जी कंजम्पशन आएगा, नंबर ऑफ LEDs, एक LED जो है इसका पावर 20 वाट है, इसके किलोवाट बना लिए। 10 आवर्स के लिए ये LEDs आप यूज कर रहे हो, ये आपका एनर्जी कंजम्पशन हो जाएगा। ये 2 जीरोस कट गई, 5 2s are 10, तो ये एनर्जी कंज्यूम्ड 1 किलोवाट आवर, या 1 यूनिट आप कह लीजिए, इतनी एनर्जी की जो कंजम्पशन है ये आपको मिल रही है बेटा। इस केस में आप 1 डे का टोटल एनर्जी कंज्यूम निकाल लीजिए बेटे।
So total energy consumed per day कितनी बन गई बच्चों? 8 किलोवाट आर आपके एसी ने कंज्यूम किया, 1/2 किलोवाट आर आपके टीवी ने, एंड 1 किलोवाट आर आपके जो है यस विद ठीक है अर्शदीप कौर वेरी राइट. सो इट विल बी 8 + 1 9 + 1/2 9.5 किलोवाट आर बन गई एनर्जी कंज्यूम्ड, या 9.5 यूनिट्स भी इसको बोल देते हो. और बच्चों जो कॉस्ट ऑफ वन यूनिट है इट इज ₹6 बेटा. कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इट इज ₹6. टोटल कॉस्ट आपका कितना बन जाएगा? टोटल कॉस्ट पर डे निकाल रहे हैं हम पहले, 6 × 9.5. सो दिस इज द कॉस्ट पर डे बेटे. इस पर डे वाली कॉस्ट को फिर आप बेटे कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी कॉस्ट बनती है ये आपकी. लेट अस कैलकुलेट. वी विल बी हैविंग दिस. इट इज इक्वल टू ₹57 चेक करिएगा बेटा. राइट बेटे ठीक है. सो टोटल कॉस्ट इन द मंथ ऑफ जून दिस इज ₹57 फॉर 30 days. 1710 बेटे आपके जो टोटल बिल के हैं ये बन जाते हैं. ठीक है बेटे सारे बच्चों ने ठीक निकाला है. वेरी नाइस बेटे वेरी नाइस उत्तर वेरी गुड. कोई और आपका है पॉइंट तो बता दीजिए मैं पहले वो करवा दूं बेटा. ओके बेटा एक और ऐसा और मैं देता हूं आप फिर आप करना वो फिर हम आगे चलते हैं बेटा. राइट डाउन बेटे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 30 days. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 30 days इफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर If the following electrical appliances are working as heater या electric heater लिखिए, electric heater 2000 watt का 2 hours के लिए, then 10 LEDs 20 watt each 8 hours के लिए, और TV 250 watt 2 TV हैं और ये 4 hours के लिए. Cost of one unit is ₹7. Dear children, जरा करिए ट्राई इसको. I will also be solving this. फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे. दो मिनट लगाइएगा सारे students बेटा. Dear children, दो मिनट सारे बच्चे लगाइएगा इस प्रॉब्लम पे फिर आगे चलेंगे बेटा. All of you बेटे. रीका बिल्कुल सेम आपने अभी अभी जैसे किया है. नहीं मंथ की बात नहीं की वैसे ही 30 days कह दिया बेटा.
30 डेज के लिए, ओनली फॉर 30 डेज। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है बेटे, ठीक है, गुड, करते जाइए। वेरी गुड, राइट राइट राइट, ओके रमनीक, पहले का 4 किलोवाट आर आ गया, ठीक है, बाकियों का भी बच्चों निकालिए। यस ठीक है, पूर्वी गुड, हर्षप्रीत कौर 1596 रुपीज टोटल बिल निकाल दिया उसने, गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी बेटे किया करो साथ साथ, लेट मी सॉल्व आल्सो बेटा। आइए देखें, हीटर 2000 वॉट का है, हीटर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ई इट विल बी इक्वल टू पावर 2000 वॉट है, ये इसके किलोवाट बन गए, ये 2 आवर्स के लिए वर्क करता है डेली, तो इट विल बी, तीनों जीरोस कट गई हैं, दिस इज 4 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक हीटर का, यस। देन एलईडीज आपकी 10 है, 10 एलईडीज 20 वॉट की हर एक, ये बन गए किलोवाट, 8 आवर्स के लिए वर्क कर रही है, ये 2 जीरोस आपकी कट गई, 8 2s are 16 डिवाइडेड बाय 10, 1.6 किलोवाट आवर या 1.6 यूनिट्स आपके ये बन जाएंगे, राइट जी। देन 2 टीवी हैं 250 वॉट ईच, आइए इनका भी एनर्जी कंज्यूम निकाल लें, ये 2 टीवी पर डे, यस ठीक है, 2 into 250 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट बन गए, इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 2 किलोवाट आवर या 2 यूनिट्स सिंपली एक दिन की। हाँ जी बेटे, ठीक है जी पनिका, ठीक है बेटा, एक दिन की जो एनर्जी की कंजम्पशन है बच्चों, यस बेटे यस, ठीक है जी, ठीक है, 1 डे की एनर्जी की कंजम्पशन निकाल लेंगे हम, इट विल बी 4 यूनिट्स आपके हीटर के हैं, 1.6 यूनिट्स एलईडीज के हैं, 2 यूनिट्स आपके इलेक्ट्रिक टीवी जो है 2 उनके हैं, तो ये 7.6 किलोवाट आवर्स बन गए बेटा। 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट 7 रुपए है, तो कॉस्ट पर डे ये बेटे बन गया, एक दिन में आपने 7 रुपीज एंड दिस इज 7.6, 53.2 रुपीज बन गए बेटे, चेक करते जाइएगा बेटे साथ साथ जरा सारे स्टूडेंट्स बेटे, यस एंड कॉस्ट फॉर 30 डेज, 30 into 53.2 1596 रुपीज, चेक कर लीजिएगा 1596 बेटे बन रहे हैं, यस, सो टोटल बिल आपका 1596 रुपीज का, यस यस ठीक है बेटे, ठीक है, सारे बच्चों ने कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, खुशी वाली बात है बेटा। चलिए एक बेटे मिसलेनियस सा क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, ग्रेविटेशन का है, आइए डिस्कस करें, आई होप आप करके दिखाएंगे जैसे आप प्रेजेंटली कर रहे हो। लेट मी राइट द स्टेटमेंट, देन फिर आप करना, आई विल आल्सो बी सॉल्विंग दैट, फिर हम आंसर्स जो है इनको बेटे मैच कर लेते हैं कि कितना आंसर आपका आ रहा है और कितना आंसर मैं भी कैलकुलेट कर देता हूं, फिर हम मैच कर देते हैं, राइट जी। क्वेश्चन है बेटा, यस हर्षप्रीत कौर, हाँ जी बेटे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा,
टू बॉडीज ए एंड बी, न्यूमेरिकल है छोटा सा, टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मासेस, हैविंग मासेस 20 kg एंड 40 kg. टू बॉडीज हैविंग मासेस 20 kg एंड 40 kg आर सेपरेटेड बाई 10 meters, आर सेपरेटेड बाई 10 meters. At what distance from the body A, should another body C of mass 15 kg, be placed so that the net gravitational force on C is zero, so that the net gravitational force on C is zero. ये बच्चों आपको निकालना है, डायग्राम बना के मैं आपकी हेल्प कर देता हूं. आपको एक 20 kg का ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये दिस इज 20 kg एंड देर इज अनदर ऑब्जेक्ट हैविंग मास 40 kg. इनके बीच में सेपरेशन 10 meters यहां से यहां तक, और हेयर वी आर प्लेसिंग ए बॉडी ऑफ मास 15 kg. आपको ये डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस होगा, दिस इज नीडेड. और गिवन आपको क्या है कि इस बॉडी पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है because of the presence of the two objects given at the extreme ends. Dear children, करेंगे आप हरगुन, ईवा, शिवन, लवलीना, मेहर, पनिका, हर्षप्रीत, दिया, अर्चिता, हरनूर सिंह, हरगुन, हाँ जी गुप्तर, सारे बच्चे कर रहे हो गुप्तर, तनिष्का, तानिश, प्रीत, वैभव, जसरूप, रोहन, रिजुल, रमनीक, पूर्वी, प्रगुन, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं बेटे मैं. यस, वेरी नाइस. तो डियर चिल्ड्रन, आइडिया बेसिक इसमें यही रहेगा, इस बॉडी पे आप इसकी वजह से फोर्स निकाल लो, इस बॉडी के इसकी वजह से फोर्स निकाल लो, दोनों को कंपेयर कर दो, यू विल गेट द डिस्टेंस एट विच यू हैव टू प्लेस दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉडी. This is A, this is body B. 4.14 meter. Ramneek, एक मिनट चेक कर ले लो बेटे मुझे. 4.14 meter, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक, वेरी राइट रमनीक, शी हैज सॉल्व. बाकी स्टूडेंट्स भी करिए, मैं भी करूंगा बेटा, ये नहीं कि मैं नहीं करूंगा, आप एक मिनट लगाइएगा. इट इज जस्ट अ चांस गिवन टू यू दैट हाउ वी कैन सॉल्व such type of numerical if it is there. Diya, Meher, Panika, Eva, Diya, Ashmit, Arshpreet, Archita, Ashta, good. Haan ji bete, haan ji, nikaliye nikaliye, shabash, karke dekhiye kitna answer aa raha hai. चलिए बेटे, ये जो डिस्टेंस है सी बॉडी का ए बॉडी से, इसको मैं एक्स मान लेता हूं.
हमें पता नहीं है ये कितना है, हमने x मान लिया, तो बच्चों ये बाकी का डिस्टेंस फिर कितना बच जाएगा, 10 माइनस x, ये डिस्टेंस आपका बच जाएगा जी। C बॉडी को A बॉडी अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करेगी, दैट इज G M1 20 M2 15 डिवाइडेड बाय R की जगह पर X का स्क्वायर। चेक करिए बेटा, समझ आ गया ये कैसे आया, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। यस, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वन। इस बॉडी पर B की वजह से फोर्स निकाल लीजिए, दैट इज G 15 40 10 माइनस x का स्क्वायर। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर टू। बेटे ये बॉडी इसको इधर इस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है, इसको मैं F1 लिख देता हूं, और ये बॉडी C को F2 फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है, इसको मैं F2 लिख देता हूं। अगर F1 F2 को कंप्लीटली बैलेंस कर लेगा, देन आपका जो बॉडी C पे पड़ा है इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। F1 को F2 से बच्चों कंपेयर कर दीजिए, G 20 15 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, G 15 40 10 माइनस x इसका स्क्वायर। G कैंसल आउट हो गया, 22s आर 40, 15 के साथ 15 कैंसल आउट हो गया, ये चीज आपके पास बच गई। इसको मैं रीराइट कर लेता हूं, इट इज 1 बाई एक्स का स्क्वायर 2 बाई 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया बेटा। चेक करिएगा साथ साथ बेटे, इसको मैं एक बार फिर से रीराइट करूंगा किसी और फॉर्म में, लेट अस फोकस अपॉन दैट। इसको बेटे 1 बाई एक्स स्क्वायर 2 को मैंने लिखा रूट 2 का स्क्वायर, जरा बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। बच्चों अगर यस बेटे, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। बच्चों अगर पावर्स दोनों तरफ सेम हो, बराबर हो, तो बेसिस इक्वेट कर दिया करते हैं हम, तो ये बन गया 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट 2 ये डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स। पावर सबकी दो दो है, इसकी भी दो लिख सकते हो आप, या तो आप ऐसे कह लो कि स्क्वायर रूट ले लिया आपने दोनों तरफ, या ये कह लीजिए इफ द पावर्स आर सेम द बेसिस विल आल्सो बी सेम, द बेसिस आर द दीज आर द बेसिस, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट टू एक्स बेटा, 10 इज इक्वल टू रूट टू एक्स प्लस एन अदर एक्स, 10 इज इक्वल टू 1.414 प्लस 1 इंटू एक्स बेटा, और ये बन गया आपके पास 2.414x इज इक्वल टू 10, x इज 10 बाई 2.414। ये आपके पास कितना निकाला था रमनीक ने, रमनीक बेटा कितना निकाला था आपने सॉल्व करके बेटा, लिखना दोबारा एक बार, 4.14 यस 4.14 मीटर्स। तो आपको ये डिस्टेंस 4.14 मीटर्स बेटे मिल गया, ठीक है बेटे, ठीक है थैंक यू। सो इस तरीके से आप बेटे ये कैलकुलेशन जो है ये करके सारे स्टूडेंट्स एक बार रीचेक कर लीजिए, कोई स्टेप नहीं पता चला तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा, नहीं तो फिर एक आधा और क्वेश्चन करके देखिए। ऑल ऑफ यू जरा चेक करिएगा बेटा, ठीक है बेटे, ठीक है आस्था, राइट। बाकी बच्चे भी देखो, हाँ जी बेटे, वेरी नाइस गुड। बहुत बढ़िया, चलिए बेटे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, आप करिएगा सॉल्व।
सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी जब आप परफॉर्म करोगे इसमें तो आपको न्यूमेरिकल फैक्टर्स जिनके साथ डील करना है वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, बाकी कुछ भी नहीं। मैं लिखता हूं, आप करिएगा, आई विल आल्सो बी सॉल्विंग, देन फिर हम जैसे आंसर्स मैच किया करते हैं वैसे मैच कर लेंगे और देन फिर आगे चलेंगे। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, मास ऑफ द अर्थ, न्यूमेरिकल की फॉर्म में है, मास ऑफ द अर्थ इज, ये तो वैसे भी आपको याद होगा ना बेटा, 6 × 10^24 kg, 6 × 10^24 kg, and that of moon is, and that of moon is 7.4 × 10^22 kg, ये भी आपको याद ही होगा वैसे तो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 × 10^5 kilometers, calculate the force exerted by earth on the moon, calculate the force exerted by earth ऑन द मून। बेटे ये बेटे है आपका क्वेश्चन, दोनों मासेस आपके पास, डिस्टेंस आपके पास, फोर्स निकालना है। फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, दिस इज जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपली वैल्यूज पुट करिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा सारे बच्चे बेटे, देखिए फिर क्या आता है। सारे बच्चे पुत्र कैलकुलेशन करके देखिए, कॉपी पेन आपके हाथ में होगा आई होप सो, और कैलकुलेशन में पीछे मत रहा करो बेटे, वेरी गुड मेहर, ठीक है पुत्र। बाकी बच्चे बेटे साथ साथ कैलकुलेशन करते जाइए, सॉल्व करिए। एम वन आप अर्थ के मास को बोल दीजिए, 6 × 10^24 kg, मून का मास डियर चिल्ड्रन आपके पास 7.4 × 10^22, इसमें ये डिस्टेंस को देखिए, दिस इज गिवन किलोमीटर्स, मीटर बनाने बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपका कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। 8.3.84 × 10^8 meters, किलोमीटर के मीटर बनाने पड़ेंगे तब जाकर आपका ठीक होगा। ऑल ऑफ यू नाउ डियर चिल्ड्रन सॉल्व दिस, पनिका, प्रगुन, पूर्वी, हेवन, हरनूर, 2.1 × 10^9 निकाला है रमनीक ने, 2.1 × 10^9, रमनीक पावर 9 नहीं आ रहा बेटा, एक बार चेक करो रमनीक, 20 यस राइट दिया, गुड गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी करिए बेटे साथ साथ, बैठा मत करो, ये पढ़ने वाला मौसम है, आराम से बैठ के पढ़ते रहते हैं इन ऐसे मौसम में, बाहर हमने जाना नहीं होता वैसे ही। मेक मैक्सिमम यूज ऑफ दिस टाइम,
यस यस विद यस, ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है। बाकी बच्चे भी उत्तर करके देखो और बताओ सबका आ रहा है। अश्मित नागपाल, अश्मित नागपाल, हरनूर सिंह, सुस्त पड़ जाते हैं बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूं, देखिए आप, एफ इज इक्वल टू जी की वैल्यू आप जानते ही हैं 6.67 10 रेस पर माइनस 11 एम वन सिक्स 10 रेस पर 24 एंड एम टू 7.4 10 रेस पर 22 इन द डिनोमिनेटर 3.84 10 रेस पर 8 इसका स्क्वायर। सो बच्चों आइए लेट अस सी हाउ टू हैंडल दिस फ्रैक्शन, दिस नंबर 6.67 अलग से लिखा, 6 अलग से, 7.4 अलग से, इन द डिनोमिनेटर 3.84 दो बार आ गया, डबल एस हेयर है, 10 की पावर माइनस 11 एक, 24 एक, 22 एक, नीचे 8, ऊपर आकर माइनस 8, ऊपर आकर माइनस 8, चेक करिएगा साथ साथ। और आप लोगों ने आंसर निकाला था बेटा, एक बार देखिएगा पावर्स की टर्म्स में, ये 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 3.84 अगेन 3.84 10 की पावर 24 प्लस 22 46 हो गई, दोनों को ऐड कर लिया 8 एंड 8 16 एंड 11 27 माइनस का हो गया जी, चेक करिएगा ये पावर 19 आ जाना चाहिए। और जब ये सारा सॉल्व करोगे 6 इंटू ये, हाँ जी बेटे चेक करिए, अब आप करिए बेटे कैलकुलेटर आपके पास होगा, ये बताओ कितना आता है सॉल्व करके, यू माइट बी हैविंग कैलकुलेटर ऑल ऑफ यू बेटा। मेरे ख्याल से ये 20.2 आ जाना चाहिए आफ्टर सॉल्विंग, चेक करिएगा एम आई राइट, 20.2 इंटू 10 रेज़ पर 19, हाँ जी बच्चों चेक करके देखिए बताइए। और फिर आप इसकी पॉइंट की एडजस्टमेंट कर दीजिए, दिस इज 2.02 10 की पावर 20 न्यूटन। सारे बच्चे चेक करिए, लवलीना, मेहर, पनिका, रघुन, बच्चों आंसर मैच कर गया सबका। हरनूर सिंह नहीं बोल रहा, जो नहीं जवाब दे रहा, ना अश्मित नागपाल जवाब दे रहा है कोई, अश्मित नागपाल, हरनूर, अच्छा हरनूर सिंह, हाँ ठीक है उठ गए गुड 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 बेटा देन। चलिए बेटे, हाँ जी अश्मित जी काम कर रहे हो साथ साथ उत्तर, अश्मित ओके नाइस बेटे नाइस। सो डियर चिल्ड्रन दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे बेटा, तो आप काम कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा करते रहिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, थैंक यू ऑल बेटा।